अज लिखन आस्ते दिल मेरा फिर मजबूर जाए, मिगी चढ़िया सादगी दा जब तेरा एक सुरूर जाए। मैं समझदा कि शायरी दा फितूर मिगी सोहण दिंदा राती, पर असल च ते सारा कसूर पहाड़ां दी खूर दा है। असल च ए सारा कसूर पहाड़ां दी खूर दा है। पहाड़ां दे होर तेरी सादगी दा नूर जदू लभदा है शैल लगदा है तेरा हसना मिगी बड़ा जोर। तेरी सादगी दा नूर जदू लभदा है शैल लगदा है तेरा हसना मिगी बड़ा जचदा है। मैं तेरे उपर चूरो चूर वो पहाड़ां दे होर, वो पहाड़ां दे होर तेरी सादगी। सत श्री अकाल, मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। मेरे साथ में कौन है, देख रहे हो? हाँ, पहाड़ां दी होर। अब आप सोच रहे होगे पहाड़ां दी होर इनको क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है गाना नहीं सुना होगा। जी हाँ, द बकलोल टीवी के ऊपर जो है जो पहाड़ां दी होर जो है, और सौरव कल्याण मेरे दोस्त हैं और उन्होंने वो जो गाना जो है उसके लिरिक्स लिखे हैं और उसमें शायर व शायरी से स्टार्टिंग उनकी जिस अंदाज़ जैसा अंदाज़ है उनका, जिस अंदाज़ को सब प्यार करते हैं, जिससे मैं भी उनका जो है फ़ैन हूँ एक किस्म से, कि उस अंदाज़ को, शायरी के अंदाज़ को उन्होंने उस तरीके उस गाने के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से कहा है। और उसमें एक वर्ड जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो सौरव कल्याण ने खुद कहा है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कि भद्रवा की वजह से, भद्रवा मैं मुंडा भद्रवाई दा। तो बहुत सारे गाना आप सुन सकते हो जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। और द बकलोल टीवी के ऊपर जो है वो गाना अभी वायरल गाना है, अभी सभी लोग जो है, बहुत सारे यूथ तो सभी जानते होंगे, लेकिन जो लोग जो है देख रहे हैं मुझे, जिन लोगों ने जो है वो गाना नहीं सुना है या नहीं देखा है, या उसमें स्मृति क्या कुछ रोल कर रही हैं, तो स्मृति कौन है, मैं आपको स्मृति के साथ जो है मिलवाना चाहता हूँ। स्मृति हमारे साथ में है अभी द लोकल रिपोर्ट के हम स्टूडियो में हैं। तो सबसे पहले तो स्मृति का स्वागत करते हैं। स्मृति जी, आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। कभी मैंने सोचा भी नहीं, अभी पहले जब अभी इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ था तो उससे पहले मैं बात कर रहा था, कभी सोचा नहीं था कि जो है स्मृति का इंटरव्यू लूँगा मैं, क्योंकि हम बचपन में जो है साथ में रहते थे, बिल्कुल एक ही तोंदवा एरिया में रहे, बचपन हमारा यहीं पे निकला है। और स्मृति जो है अभी जो है एक फेस है डोडा डिस्ट्रिक्ट का, मॉडलिंग का एक फेस है और एक एक्टिंग का जो है फेस है, जिसे कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है यहाँ की लड़कियाँ जो इस फील्ड में जाना चाहती, जो एक्टिंग फील्ड में जाना चाहती हैं, वो जो है स्मृति उनको इंस्पायर करती है। और कहीं ना कहीं इनसे बातचीत करेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई थी, क्या कुछ इन्होंने अपने पूरे इस छोटे से अपने से, जैसे कि उनके 12th 11th में, मुझे जहाँ तक याद है कि 10th 11th में जो है शायद से शुरू किया था आपने स्मृति के। हाय एवरीवन, सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी सबको, तहे दिल से थैंक यू और ग्रेटफुल हूँ मैं काफ़ी, जो इतना प्यार मिल रहा है मुझे डोडा डिस्ट्रिक्ट से, इतना प्यार मिल रहा है, इतने सारे मैसेजेस मैं रिसीव कर रही हूँ और मेरे मोहल्ले में, कॉलोनी में और कॉलोनी के अलावा भी बाहर डोडा के सब लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ ना, दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, तो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरा कोई इतना मेन लीड वाला उसमें नहीं था रोल, पर जितना भी था लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं और अच्छा पहले लगा। आपने पहले भी शूट में काम किया बहुत सारे, लेकिन इसमें ऐसा क्या था कि इससे आपको यहाँ के लोग ज़्यादा जानने लगे? वो गाना ही काफ़ी स्पेशल है, आप उसको सुनो, आपको उसमें थोड़ा बहुत बॉलीवुड टच भी लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि एक रीजनल सॉन्ग है। तो उस गाने की खूबसूरती ऐसी है कि लोग नहीं रह पा रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन करने के, मतलब वो कर रहे हैं मुझे कॉन्ग्रेचुलेट, उनको गाना पसंद आ रहा है और काफ़ी अच्छा गाना जा रहा है हमारा, तो काफ़ी अच्छा। रिंकू जी हैं, रिंकू जी भी बहुत फेमस हैं, बहुत लोग उनको जो है डोगरी को लेकर बहुत प्यार करते हैं और वो भी कहीं ना कहीं डोगरी को जो है प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बीच में कंट्रोवर्सी बीच में पैदा हुई और उसके बाद जो है रिंकू जी को इस बार जैसे इस नए गाने का ऑफ़र हुआ, तो बहुत सारे लोगों में अभी भी माइंड में, यहाँ पे भी लोगों ने बहुत सारे उन्हें लिखा था कि रिंकू जी के साथ गलत हो रहा है, रिंकू जी के साथ जस्टिस होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि वो अब जो है इस गाने के बाद उनको क्या कुछ मिल रहा है, क्योंकि देखिए आपको क्या कुछ मिल रहा है? आप कह रहे हो कंट्रोवर्सी, तो पहले तो मैं वो वाली बात छेड़ना नहीं चाहती जो बात चली गई, और उनकी कंट्रोवर्सी किसी और पार्टी के साथ थी, और हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं था, और वो काफ़ी खुश है हमारे साथ काम करके। उन्होंने इंटरव्यूज़ में भी कहा कि आप मेरी स्माइल से देख सकते हो कि मैं कितना खुश हूँ, और अच्छा था और वो सैटिस्फाइड हैं।
सिंपल सी बात कहूँगी कि वो सेटिस्फाइड है हमारे साथ काम करके, उनको खुशी मिली बकलोल टीवी के साथ काम करके, तो दे आर हैप्पी। सौरभ कल्याण तो मेरा एक ही मैसेज है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप गोइंग, और काफी टैलेंटेड है वो, तो करते जाइए काम। आपको मैं बता दूं कि सौरभ कल्याण जो है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट से है और भद्रवाह के त्रौन एरिया से आते हैं और बहुत टैलेंटेड है, चाहे वो किसी भी फील्ड में गए, आप रिपोर्टिंग की बात करें, अब बकलोली की बात करें तो बकलोली जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उन्होंने मचाई हुई है, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, हर जगह पे मिल जाएंगे, और फ्लड करते हुए तो सबसे ज्यादा तो आपके साथ फ्लड की। उन्होंने एक किस्म का रेवोल्यूशन लाया हुआ है। पहले ऐसा देखो काफी सारे जर्नलिस्ट थे लेकिन ऐसा मस्ती टाइप्स कुछ नहीं था बाहर, चंडीगढ़, पुणे, मुंबई, मतलब ऐसे ऐसे चैनल्स थे, लेकिन जम्मू में फर्स्ट टाइम है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तो हाँ फ्लर्टिंग तो अब उनका वो काम का एक पार्ट है, वो ऐसा नहीं है कि वो रियल लाइफ में भी वैसे ही है, बट करना पड़ता है काम के लिए, लोग पसंद करते हैं तो वो करते हैं। रियल लाइफ में आपने सुन लिया कि वो वैसे नहीं है, ये जानते हैं क्योंकि उनके साथ मेरे तो सरस भारती को लेकर क्या, वो काफ़ी डाउन टू अर्थ है और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, आप लोगों को पता है कि उनको जम्मू के साथ साथ हिमाचल में लोग काफ़ी पसंद करते हैं, उनके गाने काफ़ी हिट होते हैं हिमाचल में, तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, काफ़ी डाउन टू अर्थ है और बहुत ही स्वीट सी हैं। और बाकी उसमें सबके सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा कि जो सबसे अच्छा, जो आप क्रेडिट देना चाहोगे किसी को कि सबसे अच्छा कौन? मेरे लिए जो मतलब नहीं सब बराबर नहीं है, मेरे लिए एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा, मुझे सीखने को काफ़ी सारी चीज़ें मिली, अच्छे लेवल पे मैंने काम किया, तो मेरे लिए सभी हाँ इक्वल है और काफ़ी अच्छे हैं, सारे मेरे साथ अच्छे थे तो मैं भी उनके साथ अच्छे, बहुत स्वीट हैं सब हमारे। अभी स्मृति शर्मा क्या सोच रही है कि अगर बॉलीवुड में चांस मिलेगा तो जाएगी? उसके लिए तो मुझे जम्मू से बाहर जाना पड़ेगा सबसे पहली बात, जम्मू में रह के तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगे, आपको पता ही है, हायर लेवल पे जाना पड़ेगा मुझे जम्मू से बाहर, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, तब जाके मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे, घर बैठे बैठे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं थैंकफुल हूँ जितना भी मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, और अभी भी काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं मुझे, तो अब लेट्स सी क्या होता है। फैमिली का सपोर्ट कैसे है? क्योंकि हमारे अगर यहाँ की बात की जाए तो फैमिली ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, फैमिली ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती, वो ज़्यादातर मोहल्ले वालों की बात सुनती है, वो ज़्यादातर लोगों की बात सुनते हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरी बेटी की जो है या अपने बेटे की जो है क्या ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने के लिए, सभी करना चाहते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक माँ बाप चाहते हैं कि शायद मेरे बेटे की ये ख्वाहिशें तो इसको पूरा किया जाए, लेकिन वो सोसाइटी के डर से जो है कहीं ना कहीं पीछे जो है डाउनफॉल हो जाता है, तो क्या लगता है? दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे डैड, मेरे मॉम, और वो खुश होते हैं कि मैं आगे जाऊं, और उनको क्या चाहिए, किसी का बच्चा आगे जा रहा है उसको अप्रिसिएशन मिल रही है, उसे लोग जान रहे हैं, तो और क्या चाहिए, अच्छी बात होती है, प्राउड होता है, और उन्होंने कभी ना ऐसे नहीं किया कि लड़का है लड़की है, नहीं, वो सबके लिए सेम है और काफ़ी सपोर्टिव है, तो आई लव देम। सपोर्ट होना ज़रूरी है, हाँ। किसी भी चीज़ को करने के लिए जो है आपके फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है। आपको मैं कहूँ कि जब यहाँ के, जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ के लोग जब देख रहे थे तो मैंने भी बहुत सारे बच्चों को देखा था, वो कहते देखिए देखिए ये स्मृति, ये स्मृति शर्मा है, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट की, मैंने देखी थी, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है उनको ये लग रहा था कि डोडा डिस्ट्रिक्ट से है। जी वो सब मैंने आपको पहले ही कहा कि हाँ मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए, तो अच्छी बात है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा स्टार नहीं समझ रही, कोई जितना है मेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। हम देख रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी जो है शाहरुख खान की बात की जाए, जो बड़े बड़े स्टार हैं, अमिताभ बच्चन जो है बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, तो ये भी यहीं से बने हैं, और कहीं ना कहीं छोटी छोटी एज में ही इन्होंने जो है ये सब चीज़ों का शुरुआत की, करने की, एक्टिंग करने की, मॉडलिंग करने की, ये सब चीज़ों की शुरुआत की है, तो अभी कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अभी जैसे डोगरी को लेकर बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन चल रहा है, हर एक डोगरी बंदा ये कहता है कि असा डोगरी बोल दी, असा पंजाबी नहीं बोल दी, ठीक है। एक मुझे बात याद आ गई इससे, मेरे इंटरव्यूज हुए काफ़ी जब हमारा सॉन्ग का लॉन्च था, तो वो लोग कह रहे थे आप डोगरी प्रमोट कर रहे हो, तो मैंने कुछ बातें कही कि हाँ हमें डोगरी प्रमोट करनी चाहिए, मैं भी एक डोगरी हूँ, तो बेसिकली आपको पता है मैं यहाँ से नहीं हूँ, बट बचपन से मेरा यहीं पे मैं बली बड़ी हूँ, तो डोगरी में मेरे को आती है बोली, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अब थोड़ा बहुत है मेरा लेकिन इतना ज़्यादा होल्ड नहीं है, तो मैंने वहाँ हिंदी में दिए इंटरव्यूज़, तो वो लोग क्या कह रहे थे कमेंट में कि मैम आप तो कह रहे हो डोगरी प्रमोट करो और खुद आप हिंदी में बात कर रहे हो, तो मेरा यही मैसेज है कि मैं उसमें अपनी भी बात कर रही हूँ कि हम बच्चे जो है हम कम फोकस्ड रहते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज को लेकर,
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल नहीं आती है, मुझे आती है, लेकिन अब बचपन से इतने सालों से मैं जवाब दे दो आप डोगरी, हाँ मैं डोगरी हूँ और मुझे डोगरी आती है, बट हाँ अभी और प्रैक्टिस चल रही है, घर में पूरा प्रैक्टिस कर रही हूँ डोगरी में कहना है ना, डोगरी में मुझे ऐसा लगता है कि ट्राई कर लो, लेकिन उनको पता तो चल जाए कि स्मृति शर्मा को डोगरी आती है। अभी अभी मैं आपको क्या बताऊँ, फिर कभी चलो। ये इनको ये लगता है कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंस मीन कि हो सकता है कि इनके प्रोनाउंस कोई गलत हो जाए मुंह से, तो ऐसा इनको ये लगता है, इसीलिए शायद जो है ये कॉन्फिडेबल नहीं है इससे। कले कोई नहीं, मुझे लगता है कि सीखना चाहिए हर एक को रीजनल लैंग्वेज, जैसे हमारी रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो सराजी है, भद्रवाही है कुछ लोगों की, जैसे सौरव कल्याण की तो डोगरी नहीं है, भद्रवाही है, लेकिन आपको क्या लगता है ये बोल के आए आप उनको कि यार भद्रवाही को भी, हाँ उनके दिल में है, उनके दिल में मुझसे पहले ये चीज़ भद्रवाही मुंडा तो उन्होंने कह लिया, लेकिन भद्रवाही लैंग्वेज को उनके उन्होंने शायद से भद्रवाही गाने लिखे भी हुए हैं और वो भद्रवा से काफ़ी प्यार करते हैं, जुड़े हुए हैं वहाँ से, और बहुत जल्द क्या पता अगले महीने या उससे अगले महीने वो भद्रवाही सॉन्ग लेके ज़रूर आएंगे, और भद्रवाही के साथ साथ सराजी भी लेके आ सकते हैं। और ये इसके लिए मैं वेलकम करता हूँ, जब सौरव कल्याण यहाँ पे आएंगे तो मैं वेलकम करने के लिए यहाँ पे तैयार रहूँगा कि आप जो है भद्रवाही की या सराजी की वो जो मुझे तो जैसे आपने कहा वो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने लिख चुके हैं, वो लिखे हुए हैं उनके पास, वो तैयार भी है उनके अंदर प्रोजेक्ट की कब जो है और कहाँ पे शूट करना है, मुझे पता है कि वो प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, और प्रमोट करने के लिए हम सबको जो है काम करना चाहिए, हम सबको जो है रीजनल वॉरियर बनना चाहिए और जाके अपने जो लैंग्वेजेज़ हैं हमारी रीजनल लैंग्वेजेज उनके, क्योंकि हमारा जो पहचान है, हमारी पहचान जो है हमारी मदर टंग से है और उसको हमने कभी नहीं भूलना है, ये बात आज के यूथ को जो है पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डोगरी की बात की जाए, डोगरी के अंदर क्या है कि डोगरी में बहुत सारे लोग जो है पहले हिंदी की तरफ गए, इंग्लिश की तरफ गए और डोगरी को भूलते गए, अभी लेकिन याद आ रही क्योंकि अभी पहचानी डोगरी से, तो इसीलिए वो वापस आ रहे हैं और डोगरी की बात कर रहे हैं, तो हमें भी जो है वापस आना चाहिए और सराजी की बात और भद्रवाही की बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं सराजी और भद्रवाही की बात कर रहा हूँ। तो अभी और भी बातें करेंगे, अभी जब आपकी फ्रेंड्स जो हैं बहुत सारी जो आपके साथ में, अभी तो आप कॉलेज जाते हैं, उससे पहले की जो फ्रेंड आपके साथ जुड़ी हुई है अभी भी जो कॉलेज की फ्रेंड्स हैं, तो क्या कहती है कि यार ये काम कैसा है, अच्छा है, मैं भी आऊंगी क्या? नहीं, लेकिन हमारे घर वाले हाँ, क्या लगता है बाकी घर वाले रहता है, आपको पता है कि थोड़े बहुत रहते हैं पेरेंट्स की, नहीं क्या पता इस फील्ड में ये है वो है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी अगर कोई खुद अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा है, नहीं हर फील्ड, जैसे अभी देखो ना पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर क्या है कि पॉलिटिक्स गलत नहीं, पॉलिटिक्स सही डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, चीज़ों के लिए बनाई गई है, लेकिन पॉलिटिशियंस जो है गलत है, उसमें गलत है वही, तो अगर इंसान खुद ठीक है तो सब कुछ ठीक है उसके लिए। बाकी मेरी फ्रेंड्स बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा ट्रीट कर रही है मुझे, और काफ़ी खुश है मेरे लिए, मेरे सॉन्ग्स मतलब मेरा सॉन्ग, हाँ रील्स बना रही है, ड्राइव करते हुए प्ले उनको टैग भी कर रही है, और ये बात है कि शेयर भी कर रही है। हाँ मैं सच में थैंक यू बोलना चाहूँगी, मेरे इंस्टा पे मुझे बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं, मुझे टैग कर रहे हैं लोग, और दिन की बहुत सारी रील्स बन रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे भेजते हैं स्पेशली, तो थैंक यू सो मच। ये कि स्मृति बहुत, जैसे इन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ी स्टार नहीं हूँ, तो इसीलिए सबका जो भी कोई भी उनको टैग करता तो उसको जो है शेयर करके रिप्लाई ज़रूर दे देते यार, हाँ, जो भी मैसेज करते हैं, हाँ, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है और लोग भी काफ़ी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो अच्छा। तो हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की पहचान है स्मृति, और आप मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, तो अब उनको चेंज लाने की ज़रूरत है अब, क्योंकि हम वो 19 के टाइम पर नहीं है, वो पुराने लोगों की सोच गई, अब नए टाइम की सोच, अभी नए टाइम की बात है, और नए टाइम के अंदर जो है हमें चेंजिंग्स लानी है, क्योंकि हमने सोसाइटी को प्रोग्रेस की अगर तरफ करना है तो हमें खुद प्रोग्रेसिव बनना है, और प्रोग्रेसिव कहाँ से होगा, माइंड से, और वो माइंडसेट जो है हमें चेंज करना है, जो पुराना है हमें नया माइंडसेट लेके आना, जिससे चेंजिंग्स आएंगी हमारी सोसाइटी के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम ज़रूर देखेंगे जिस तरीके से सीरीज़ भी बहुत सारी हमारे भद्रवाह में बन रही है, बहुत सारी ऑफर वगैरह आया, हाँ मुझे तो पहले दो ऑफर्स आए हुए हैं लेकिन मैं जा नहीं पाई सिचुएशन की वजह से, अभी रिसेंट कश्मीर में हो रहा था बट कुछ इशू हो गया, तब मैं डोडा में थी तो रोड हमारा तब बंद था, कुछ कर्फ्यू, आपको पता है कश्मीर में कितनी प्रॉब्लम रहती है, तो वो काफ़ी दुख रहा मुझे उस चीज़ का, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो किसी ने कॉन्टैक्ट किया लेकिन मैं जा नहीं पाई, तो कोई बात नहीं, अभी आगे भी बहुत अपॉर्चुनिटी, जिंदगी बहुत बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल राइट, अभी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है स्मृति शर्मा दिख सकती है आपको, सीरीज़ में दिख सकती है आपको, क्योंकि अभी का टाइम जो है नेटफ्लिक्स का है, सीरीज़ का है, तो कहीं ना कहीं, और हमारे भद्रवाह के अंदर बहुत ज़्यादा टूरिज्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है हमारे जम्मू कश्मीर में हो रही है, उससे जो है कहीं ना कहीं बाहर के इफेक्ट पड़ता है, हमारे यूथ को इफेक्ट पड़ता है, जिस तरीके से आर्टिस्ट लोगों को इफेक्ट पड़ता है, आपको क्या लगता है ये जो कोविड आया, इस कोविड में आपको लगा कि जो है आपको भी
कहीं ना कहीं जिस तरीके से शीतल जैसे राजपूत जो है हमारे यहाँ की मॉडल है डोडा डिस्ट्रिक्ट की, तो उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो उन्होंने भी जैसे आर्टिकल दिया था कश्मीर टाइम के ऊपर कि जो है हमारा काम बंद हो चुका है, हम आर्टिस्ट लोग जो है भूखे मर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कोविड में आपका क्या खोया? कोविड में तो सारी दुनिया का ही रुका हुआ है काम, मेरा भी, मेरा तो नॉर्मली चल रहा था। और जैसे हम, जैसे मैं भी जैसा था वैसे नहीं, नहीं देखो मैं कोई इतनी बड़ी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ कि मैं हर टाइम हर दिन शूट पे रहूँ, बट हाँ मैं क्वालिटी वर्क पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ। मेरे को और भी ऑफर्स आते हैं, ऐसी बात नहीं कि लोग गलत काम, गंदे गाने बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट जहाँ मेरा दिल करता है, जो मुझे काम करना, हाँ जो मुझे क्वालिटी वर्क रखता है मैं वही करती हूँ, और सिलेक्टिव काम करती हूँ और बाकी जो नॉर्मल शूट्स हैं, प्रमोशनल शूट्स होते रहते हैं, वो सब तो चलता ही है। कोविड में वहाँ तो बहुत डिस्टेंसिंग वगैरह रहती है, वहाँ तो कोई क्राउड नहीं होता, तो मेरी लाइफ में उतना ही इफेक्ट है जितना नॉर्मल लेमैन की भाषा में बोलेंगे तो नॉर्मल पीपल की लाइफ में जितना इफेक्ट है। कॉलेज स्कूल्स बंद हुए, मेरे में वही इफेक्ट हुआ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ, मेरा काम वाम नहीं रुका। तो अभी बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शुरुआत आपने कैसे की, कहाँ से की और कब? जी ये मेरा ट्वेल्थ में था, मेरी ट्वेल्थ हुई थी, जस्ट ट्वेल्थ होने वाली थी, तो एक शो आया था यहाँ पर जम्मूज़ गॉट टैलेंट, तो मेरी एक फ्रेंड आई तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं फील करते हो। पहले से मुझे डांस में काफ़ी इंटरेस्ट था, आपने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी, मुझे डांस करने का काफ़ी शौक था, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं एनरोल करते हो, फॉर्म लगाओ। मैंने मुझे सब पता है लेकिन इनको नहीं पता, इनको नहीं। मैंने फॉर्म लगा दिया, तो मेरा दिमाग में कुछ नहीं था जीतने का कुछ भी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि चलो स्टेज पे करेंगे डांस वांस जो भी है और एक्सपोजर मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो मैंने फॉर्म लगाया, मेरा ऑडिशन हुआ, ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हुई, उसके बाद हमारे मेगा ऑडिशंस हुए जम्मू में जो हुए, तो वहाँ लोगों को मेरा डांस पसंद आया, तो वहाँ पर भी लोगों ने काफ़ी तारीफ की कि हाँ फर्स्ट आए थे। हाँ तो उसके बाद हमारा ग्रैंड फिनाले था जो जम्मू में हुआ था, और बहुत अच्छा इवेंट था वो, सच में ही काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज था। तो वहाँ पर मेरे दिल में कोई उम्मीद नहीं थी, हाँ मैंने किया पार्टिसिपेट, मैं बहुत खुश थी, मैंने डांस भी किया, मॉडलिंग भी की, और जब उन्होंने नाम अनाउंस किया विनर का तो मैं बहुत नॉर्मली बैठी थी, मुझे कोई कहने लगा ये तेरा नाम अनाउंस कर रहे हैं तो मैंने कहा यार सच में, मैं मतलब दिमाग में सोचा नहीं था, मैंने कहा और भी मुझसे भी काफ़ी अच्छी अच्छी लड़कियां थी, तो मेरा नाम अनाउंस हुआ तो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा, और क्या हो सकता, आप विनर बन गए उस चीज़ के जहाँ पे आप गए थे, उसी से कहीं ना कहीं स्टार्ट, हाँ वहाँ से मेरा स्टार्टअप हुआ, मैं विनर बनी, उन्हें मेरा आंसर काफ़ी पसंद आया, मॉडलिंग के टाइम जो वो आंसर का Q&A होता है, तो वहाँ मैंने एक आंसर दिया था और उन्हें वो आंसर बहुत पसंद आया, उसकी वजह से शायद उन्होंने मुझे विनर ऑप्ट किया। और उसके बाद से मुझे शूट्स के ऑफ़र आने लगे, गानों के भी काफ़ी ऑफर्स आए मुझे, लेकिन आपको मैंने बताया कि सिलेक्टिव वर्क, तो मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को पीछे रखा, साथ में स्टडीज़ भी थी, तो बस धीरे धीरे करती गई मैं, कुछ शूट्स किए मैंने, उसके बाद गाने एक पहले किया हुआ है और अब एक ये किया, और ये वाला गाने के बाद तो ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिली, तो बस यही मेरा सफ़र था। अभी तो स्टार्टिंग है, जस्ट एक स्टार्टअप है, बिगिनिंग है, तो आई एम नॉट इनटू दिस टोटली, ये नहीं है कि मैं हर मतलब पूरी तरह से इसी में हूँ, स्टार्टअप है मेरा, यही होप करती हूँ कि अच्छा दे भगवान, होप फॉर द बेस्ट। कोविड की वजह से कहीं ना कहीं नई मॉडल्स या नए लोग जो है आना चाहते थे, या जिस तरीके से जो है कॉम्पिटिशन्स होते हैं, छोटे लेवल पे ही होते हैं लेकिन होते हैं, जिनसे जो है एक टैलेंट को जो है शेप मिलती है, और वो उसके बाद फिर वो उनको पता लगता है कि पहले, क्योंकि स्मृति ने, आप पहले क्या सोचते, क्या बनने की सोचा था और बाद में क्या बने? नहीं मुझे नहीं मेरे को डांस में था, मेरा यही था कि मैं डांस क्लास ज्वाइन करूँगी, डांस वीडियोज़ बनाऊँगी, मॉडलिंग का मेरा इतना नहीं था, बट मुझे कहते थे मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि तू जाना मॉडलिंग में, अच्छा है ये वो, आप कर सकते हो, तो मैंने उतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन शो जीतने के बाद थोड़ा हो गया कि हाँ, जब अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स मेरे हुए, मेरे को ऑफर्स आए, तो फिर मुझे लगा अगर है ये भी तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर लेना चाहिए, अच्छी बात है, और मुझे शौक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इसीलिए करती हूँ। राजी या भद्रवाही प्रोजेक्ट में आपको ऑफर मिले इस वीडियो को देखने के बाद तो क्या कर? अभी तो नहीं मिले, लेकिन पहले मुझे एक सराजी वीडियो के लिए कहा गया था, लेकिन मैं तब यहाँ पर नहीं थी, तो वो काफ़ी देर से कह रही है सराजी गाना करना है, अब देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि स्मृति शर्मा हमारे साथ में थी, और उन्होंने सारे जो है बातचीत जो है हमारे साथ में की है। आपको मैं बताऊं कि बचपन जो है हमारा सिटी के अंदर निकला है, और हम स्मृति को अच्छे से जानते, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि सुरेंद्र परिहार जो है स्मृति शर्मा का इंटरव्यू लेगा और द लोकल रिपोर्ट में इंटरव्यू हो रहा होगा। और मैं स्मृति को भी जो है मुबारकबाद देना चाहूँगा इस सब प्रोजेक्ट के लिए, और जिस तरीके से जो है डोडा का नाम, क्यों नहीं कहीं ना कहीं जो इनके फैमिली का नाम, उनके डोडा का नाम जो हमेशा इनके साथ रहेगा, चाहे प्रोग्रेस कुछ भी कर ले, डोडा
से स्मृति है, ये हमेशा इनके साथ में चिपका रहेगा और इनकी फैमिली का नाम जो है इनके साथ हमेशा चिपका रहेगा। इनकी फैमिली भी जो ऑनर फील करती है, प्राउड फील करती होगी इनके ऊपर कि ऐसी जैसी बेटी जो है हमने जन्मी जो हमारा नाम जो है रोशन करी। ऐसा नहीं है कि हर फील्ड में जो है नाम को जो है रोशन कर सकते, जितने भी यूथ हमारे बीच में है, जो यूथ हमसे सुन जो देख रहा है ये इंटरव्यू, जो सुन रहा है मुझे, तो मैं उससे यही कहूँगा कि आप अपने पहले अपने आप टैलेंट को पहचानिए, क्योंकि टैलेंट हर एक के पास होता है। आपका टैलेंट क्या है आप उसको पहचान के उसके बाद उसके बारे में आप काम कीजिए और उसके बाद देखिए कि होता क्या है। आप ज़रूर आपकी फैमिली, आप ऑनर फील करोगे, आपकी फैमिली ऑनर फील करेगी, आपको पूरे के पूरे समाज जो है आपको कहेगा नहीं ये बंदा है कुछ, लेकिन दिखाना है करके पहले। तो आप जो है द लोकल रिपोर्ट देख रहे थे और द लोकल रिपोर्ट हमेशा जो है आर्टिस्ट को और यहाँ के लोकल टैलेंट को जो है प्रमोट करता है, क्योंकि हमें पता है कि कहीं वही लोकल टैलेंट हमारा नेशनल टैलेंट होगा और इंटरनेशनल टैलेंट होगा। अब बन रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ, सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जितिए तेरे दिल की मैं ते जम्मे तुगी लिए जाना जाना तुगी लिए अपने शहर मैं ते नहीं जाना जम्मू तेरे बगैर क्या करना है जीना मरना है तेरे बाप को तुगी मंगना है। नीति आप उनको क्या कहोगे जो लोग फ्रेशर है अभी जो आना चाहते हैं जो इस इंटरव्यू को देख के जो है आएंगे सोचेंगे या वो कहीं पहले से सोचते हैं कि हमने ये ऐसे बनना है एक्टिंग करनी है मॉडलिंग करनी, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके दिल में है कि आपको कुछ करना है इस फील्ड में तो घर पे नहीं बैठो, आप बाहर निकलो, वो टैलेंट को शोकास्ट करो, शोकेस करो, बाहर स्टेज पे जाओ और अपने अंदर का डर भगाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि काफ़ी शोज़ होते रहते हैं। मतलब मैं तो खुद नहीं गई लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पे होते हैं, मुंबई में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, सुपर मॉडल और काफ़ी सारे होते हैं, फेमिना VLCC आपको पता ही है, मॉडलिंग के अलावा ऑडिशंस होते रहते हैं, तो अपडेटेड रहो और ऑडिशंस दो, तो वहाँ से बहुत अच्छा नाम आप पा सकते हैं। और जम्मू में भी होते हैं, मैंने खुद जम्मू में 2-3 शोज़ किए हुए, उनमें से किसी के मैं विनर हूँ, किसी के मैं रनर अप हूँ। तो अगर जम्मू से इंसान निकल सकता है तो आप, यही मैं सलाह दूंगी कि बाहर जाइए, आप हायर लेवल पे जाके ट्राई करो, ऑडिशंस दो और घर पे मत बैठो प्लीज़।